राजा के असाधारण लक्षण होते हैं सिंहासन, छत्र और चमर। समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। प्रयाग के राजत्व को तीर्थराज प्रयाग समस्त तीर्थों के राजा हैं। उनके जो असाधारण तीन चिन्ह है उनको प्रकृति ने स्वयं दिया है। एक तो सिंहासन, कितना विशाल सिंहासन है तीर्थराज प्रयाग का। कुंभ पर्व लगता है ना, सारे विश्व का सबसे बड़ा कुंभ पर्व है अपने भारत देश का, और वो भी तीर्थराज प्रयाग का। और इतने इतने सैकड़ों वर्ष से प्रयागराज के कुंभ पर्व को यदि विश्व के दृष्टि पटल में सर्वोत्तम स्थान दिलाया है तो हमारे महाराज जी ने दिलाया है तीर्थराज प्रयाग को। कुंभ का अद्भुत स्थान, स्वच्छता के बारे में, व्यवस्था के बारे में, स्नान के बारे में कितनी सुविधाएं दी, सारे विश्व में उसकी चर्चा हुई थी। विशाल सिंहासन तीर्थराज प्रयाग का है। गंगा मां ने स्वतः ये तीर्थ ये सिंहासन दिया है। अगर गंगा मां का विशाल पाट न होता तो शायद वहां भी लोग कॉलोनी काट लेते हैं, मकान बना लेते हैं। लेकिन गंगा मैया प्रतिवर्ष वर्षा में सब समुद्र के समान पाट हो जाता है, स्थल हो जाता है। इतना विशाल सिंहासन और किसी तीर्थ में नहीं है। नासिक में है क्या, वहां भी कुंभ पर्व लगता है? नहीं है। उज्जैन में है? नहीं है। हरिद्वार में है? नहीं है। कहीं नहीं है। एक साथ जहां लाखों शिविर लगते हैं, ऐसा विशाल प्रांगण जो भूमि का है गंगा की गोद में, वही दिव्य तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है। छत्र क्या है? बोले अक्षय वट ही छत्र है। प्रकृति ने ही प्रयाग को तीर्थों का राजा स्वीकार किया है। सिंहासन छत्र चमर प्रदान किए हैं, इसलिए अक्षय वट, जिसको आतताइयों ने कितने बार नष्ट करना चाहा लेकिन वो अक्षय है जो कभी नष्ट नहीं होता, जड़ से उखाड़ना चाहा, कितने पदार्थों को डालकर उसको खत्म करना चाहा लेकिन वो नष्ट ना हुआ, क्योंकि अक्षय वट है। अक्षय वट ही तीर्थराज प्रयाग का छत्र है। और चमर भी होने चाहिए राजा के पास। चमर कौन है? बोले गंगा और यमुना की उत्ताल तरंगे ही चमर है। ऐसा दिव्य तीर्थराज प्रयाग, जहां जगह जगह पर यज्ञशालाएं बनी हैं, ऋषि मुनि जन यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, भजन करते हैं। गंगा यमुना प्रत्यक्ष हैं और सरस्वती अप्रकट होते हुए भी तीनों दिव्य नदियों का संगम है, जिनके दर्शन मात्र से, आचमन मात्र से, अवगाहन मात्र से व्यक्ति के समस्त कलुष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तीर्थराज को तीर्थ बनाने वाले भरद्वाज ऋषि जैसे महापुरुष विराजमान है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार पधारे, भरद्वाज ऋषि दौड़ते आए सप्ताम धाम त्याग करके, इसी दर्शन के लिए तुम इतने दिनों से जप तप यज्ञ अनुष्ठान व्रत नियम संयम कर रहा था। सभी साधनों का मूल उद्देश्य भगवत दर्शन ही तो है, भगवत प्रेम ही तो है। आज वे मेरे समस्त साधन सफल हो गए प्रभु आपके दर्शन से। प्रभु राम ने ऋषि भरद्वाज आदि को बड़ा सम्मान दिया है, आदर दिया है।
कौन तीर्थराज की महिमा का वर्णन कर सकता है जिसकी महिमा का वर्णन स्वयं प्रभु राम करते हैं। प्रयाग में निवास करते हुए भरद्वाज ऋषि को आदर देते हुए, अनेक ऋषियों के दर्शन करते हुए, अनेक सिद्ध स्थानों का दर्शन करते हुए प्रभु श्री राम प्रयाग से चित्रकूट की ओर पदार्पण करते हैं। मार्ग में वाल्मीकि महर्षि का आश्रम पड़ता है। कल्प भेद से और कई कथाएं हैं और कई बार कई स्थानों पर ऋषियों के स्थान हमें चिन्हित दिखाई देते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महापुरुष जहां जाते हैं उनके नाम से वह स्थान नामित हो जाता है। कोई तर्क करता है कि वाल्मीकि जी तो अयोध्या जी के पास थे, तभी तो तमसा नदी में स्नान करने गए, फिर प्रभु राम को प्रयाग से चित्रकूट जाते समय मार्ग में कैसे वाल्मीकि ऋषि मिले। आज भी वहां वाल्मीकि पर्वत भी है प्रयाग और चित्रकूट के बीच में। हमने अभी बताया कि जहां संत ऋषि जन बैठ कर भगवत ध्यान अनुभव करें वह स्थान तीर्थ बन जाता, कुछ दिन यहां कुछ दिन वहां। वाल्मीकि महर्षि सुनते ही दौड़े हैं स्वागत के लिए। कैसी मर्यादा है, प्रभु राम मानवीय रूप में रहते हुए ऋषिजनों को प्रणाम वंदन करते हैं, लेकिन ऋषिजन अपने सूक्ष्म दृष्टि से, क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म दृष्टि से ही तो देखते हैं। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, सूक्ष्म दृष्टि से ही तो प्रभु का दर्शन मिलता है। प्रभु ने नमन किया है, अपने आश्रम को प्रभु चरणों से स्नात पाकर के कृतकृत्य हुए हैं। रात्रि निवास किया प्रभु ने, किसी भी तीर्थ में जाइए तो एक रात्रि तो निवास करना ही चाहिए। इसलिए प्रभु राम जिन जिन मुनियों के यहां जाते हैं वहां एक एक रात्रि अवश्य निवास करते हैं, चाहे भरद्वाज ऋषि हों, वाल्मीकि महर्षि हों और चाहे सर्वंग ऋषि हों, सुतीक्ष्ण ऋषि हों और चाहे अगस्त ऋषि हों, तीर्थ में जाओ तो एक रात्रि तो चाहिए ही। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर प्रसंग को रखा है। प्रभु राम रात्रि निवास कर सुबह संध्योपासन करके मुनि से आज्ञा लेते हैं कि भगवान अब हम आगे जाएं, आप बताएं कौन सा स्थान मेरे रहने लायक है, सुंदर है, जहां सीता का मन लगे, जहां लक्ष्मण को सब सेवा के लिए अनुकूलता हो, ऐसा कोई हमारे अनुकूल स्थान बता दीजिए। भगवान संतों से पूछते हैं, निर्मल चित्त वाले से पूछते हैं कि मुझे कहां निवास करना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि लोक के सुख को चिंतामणि आपको दे सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, स्वर्ग के सुख संपत्ति को कल्पवृक्ष दे सकता है। संसार और स्वर्ग के सारे सुखों को देने वाले चिंतामणि और कल्प वृक्ष दोनों मिलकर भगवत चरणों में प्रेम अनुराग नहीं करा सकते, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते। परंतु संत सद्गुरु ऋषि
सिद्ध महापुरुष यदि आप पर कृपा कर दें तो प्रयच्छति गुरुर प्रीतः वैकुंठम योगी दुर्लभम। संत सदगुरु की कृपा हो तो योग बड़े बड़े ज्ञानियों को दुर्लभ, भगवत चरणों में प्रीति प्रेम अनुराग भगवत प्राप्ति आपको प्रदान कर देते हैं। तो आज वाल्मीकि जी से जब प्रभु ने पूछा कि मुझे कहां निवास करना चाहिए, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, भगवान आप मुझसे पूछ रहे हैं कहां निवास करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आप कहां नहीं हैं। कोई स्थान बताइए ना जहां आप ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् अंतर्बहिश्च तत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु। परमाणु के अंदर भी आप हैं और सबसे बड़ा क्या है? आकाश। आकाश के बाहर भी है। अंतर्व्याप्ति बहिर्व्याप्ति आपकी है प्रभु, एक एक अणु में है, आप कहां नहीं है बताइए। तब प्रभु राम ने कहा, मैं उस दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूं, मैं इस दृष्टि से पूछ रहा हूं मानव के रूप में हूं ना। तब महर्षि वाल्मीकि ने बताया, जिन्हें के श्रवण समुद्र समान, जिन्हें के श्रवण समुद्र समान, सरल हो गए कि महर्षि वाल्मीकि जहां कहते हैं वहां प्रभु विराजने के लिए तैयार है। कहां प्रभु आप विराजेंगे, कहां प्रभु विराजते हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना। समुद्र में इतना नदियों का जल जाता है, कभी समुद्र भरता है क्या? अच्छा ये बताओ कि नदियों में तो बाढ़ आ जाती है, लेकिन लाखों नदियों का बाढ़ का जल समुद्र में जाता है, समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती? बोले समुद्र में अगर बाढ़ आ जाए ना तो सारी धरती तत्क्षण डूब जाए। पूरी पृथ्वी में तीन हिस्से में जल है, एक हिस्सा पृथ्वी है, इसलिए मर्यादा समुद्र रखता है। लेकिन और अंदर अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान पालक है, रक्षक है। इसलिए परमात्मा समुद्र के अंदर बड़वानल के रूप में विराजते हैं। हम सबके अंदर किस रूप में भगवान विराजते हैं? वैश्वानर के रूप में। गीता में भगवान कहते हैं कि तुम जो खाते पीते हो ना, फल खाते हो, बर्फ खाते हो, आइसक्रीम खाते हो ना, उसको अंदर कौन पचाता है?
चूल्हा लगा है क्या, कोई गैस सिलेंडर है क्या, कौन पकाता है? भगवान कहते हैं चार प्रकार का जो भोजन तुम करते हो ना, अहम वैश्वा नरो भूत्वा देहिनाम प्राणमास्थितः, सबके अंदर तुम्हारे बैठकर जाठराग्नि के रूप में मैं अन्न को पचाता हूं और बड़वा नल के रूप में समुद्र के अंदर रहकर सारे जल को जलाता रहता हूं। इसलिए बाढ़ का जितना पानी है सब जल जाता है, पृथ्वी सुरक्षित है, सबका जीवन सुरक्षित है। जैसे समुद्र के अंदर इतना जल वर्षा का जाता है लेकिन कभी भरता नहीं समुद्र, वैसे जिस श्रोता शुश्रूषा भक्त कथा प्रेमी के कान समुद्र के समान है, कितनी बार कथा सुने लेकिन पूर्णता नहीं होती, तृप्ति नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप विराजो जो बहुत आपका कथा का प्रेमी है और जिसके नेत्र चातक की तरह आपके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं। भगवान के दर्शनों से कभी तृप्ति मिलती है, कभी नहीं मिलती। कितनी प्रभु की कृपा है देखो जीवों पर। भगवान ये जानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव है सौंदर्य की ओर आकृष्ट होता है, चाहे सुंदर कोई रूप हो, गुण हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, प्रकृति हो, सुंदर वस्तु व्यक्ति की ओर मनुष्य आकर्षित होता है। भगवान ने सोचा मैं सारी दुनिया में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा सुंदर रूप लेकर प्रकट हूं तो जीव का अपने आप मेरी ओर आकर्षण होगा, मेरा दर्शन करके उस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सारे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर रूप लेकर प्रकट होते हैं। जिस दिदृक्षु दर्शन की इच्छुक वाला भक्त के नेत्र कभी आपके दर्शनों से तृप्त नहीं होते हैं, लालायित रहते हैं, अतृप्त रहते हैं, ऐसे भक्त के हृदय में प्रभु आप विराजो। तुम्ही निवेदित भोजन कर पूजा राम भरोसा।
जन भगवान को अन्न का जल का फल का तो भोग लगाते ही हैं, अन्न का वस्त्र का जल का फल का तो प्रभु को भोग लगाता ही है, भक्त अर्पण करता ही है। लेकिन कोई वस्त्र नया अगर धारण करता है तो भी भगवान को अर्पण करके तब वस्त्र पहनता है। कोई आभूषण होता है ना, तो उन आभूषणों को भी भगवान को अर्पण करके और फिर उसको धारण करता है तो प्रसाद हो जाता है। भगवान जानते थे कि कलिकाल में लोग बड़े कृपण हो जाएंगे, इसलिए भगवान पूरी थाली का भोजन वैसे नहीं पाते, केवल दृष्टि से भोग लगाते हैं। भगवान के लिए भोलापन बहुत प्रिय लगता है। जितने आप भोले सरल निश्चल हो गए उतना ही प्रभु आपको अपना मानेंगे। तर्क वितर्क से भगवान बहुत दूर रहते हैं। भगवान ने ही तो चाहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन मना भव मद भक्ता मद व्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते हैं दुनिया के लोग तुमसे धन मान सम्मान सुख चाहते हैं, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, केवल निर्मल पवित्र पावन निश्चल मन मुझे दे दो। और यही कठिन है व्यक्ति के लिए, कहां कहां मन भागता रहता है, सबकी समस्या है। सबके मन में जिज्ञासा रहती है, मन कैसे एकाग्र हो, पवित्र हो, प्रभु में लगे। मजे की बात तो यह है कि ध्यान करने प्रभु का बैठो, जिसको न सोचो कि आज ये हम वस्तु व्यक्ति को नहीं सोचेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, उसका और ज्यादा स्मरण आता है ध्यान के समय। महाराज जी काली बाड़ी वाले महाराज जी से, बाड़ी वाले महाराज जी, किसी ने पूछा कि मन कैसे भगवान में लगेगा। बोले जाओ माताजी, ध्यान में आज बंदर को याद मत करना। जैसे माताजी ने माला लिया, आंख बंद किया, तो महाराज भगवान नहीं बंदर ही ध्यान में आने लगा, घूमने लगा। जिसका न चाहो उसका और स्मरण आता है। और एक आपको अंतरंग गहन बात बताएं, कोई भी व्यक्ति का बच्चा विदेश पढ़ने गया हो, पत्नी पीहर गई हो, तो कभी कोई ये नहीं सोचता आज अपने बेटा को पत्नी को याद करूंगा। कोई माला लेकर के ध्यान देकर बैठता है क्या, जपता है क्या, मेरी पत्नी मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा बेटा, कोई नहीं है। कोई याद करने नहीं बैठता। बिना याद किए भी दिन में सैकड़ों बार आपके बच्चे की, आपकी पत्नी की, आपके स्वजन बंधु की अपने आप याद आती है। और जिन प्रभु को याद करने बैठते हो याद में नहीं आते, क्यों? क्योंकि इन सबको तो आप अपना मानते हो और प्रभु को पराया मानते हो, दूर मानते हो, बहुत दूर है, मंदिर में है, हमारे पास थोड़ी है। वेदांत कहते हैं और सत्पुरुषों का अनुभव भी है, तद दूरे तदवंतिके। के लिए भगवान बहुत दूर हैं और अनुभव करने वाले के लिए बहुत नजदीक हैं। ये जिसने अनुभव कर लिया
मीरा ने कर लिया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे नजदीक है, मेरा अपना है, पहले भी मेरे वो आप ही थे प्रभु, आज भी और आगे भी रहेंगे। ऐसा जिसने अनुभव कर लिया वो भगवान के अत्यंत नजदीक है, दूर नहीं, बहुत नजदीक। यहां तक कि जीव अगर स्वर्ग जाता है, वैकुंठ जाता है, मृत्यु लोक में आता है, 84 लाख शरीर में जाता है, अगर नरक में भी जाता है तो भी परमात्मा उस जीव के साथ नरक में भी जाते हैं। ये बात अलग है कि उसके कर्म का फल जीव भोगता है, भगवान केवल साक्षी भूत बनकर रहे। भगवान जानते हैं कि कलयुग में लोग भोग लगाना छोड़ देंगे अगर पूरा पा जाएंगे, इसलिए भगवान कलयुग में दृष्टि से भोग लगाते हैं। भगवान सरल व्यक्ति को बहुत जल्दी मिलते हैं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः ता उभो सुख में धेते क्लिश्यत्यंतरितो जनः। जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सीधा है, निश्चल है, भोला है, भगवान उसको मिलते हैं। और या तो बुद्धि विचार से ऊपर उठकर ज्ञान में स्थित हो जाता है, कोई उसको मिलते हैं, बीच वाला न इधर का न उधर का। एक आश्रम था, गुरुजी थे, कई शिष्य लोग थे, एक जगह यज्ञ हो रहा था। सब शिष्यों को लेकर के गुरुजी यज्ञ में जा रहे थे। बोले भगवान की सेवा कौन करेगा, चार भुजानाथ थे भगवान, तो बोले जो गौ सेवक है ना उसी को भगवान की सेवा में लगा दो। बेचारे ने कहा मैं तो कभी पूजा पाठ किया नहीं, मंत्र जानता नहीं, कैसे मैं भगवान की पूजा करूंगा। गुरुजी ने कहा बतश स्नान कर लेना, भगवान को स्नान करा देना, भोजन बना लेना, भोग लगा देना, भगवान को सुला देना, सो जाना, ही तो सेवा है। ठीक, शिष्यों के साथ गुरुजी चले गए यज्ञ में। बड़ा प्रसन्न हुआ गौ सेवक कि आज हमें भगवान की सेवा मिली है। बड़ी यहां तैयार होकर के पूजा आदि किया, सुंदर भोग बनाया और भगवान के पास थाली रख दिया, प्रभु जीमो भोग लगाओ। इतना सीधा था, हम दो हाथ हैं तो एक हाथ से पाते हैं, भगवान चार हाथ हैं तो दो हाथ से पाते होंगे, खड़ा देखता रहा नहीं पाए। लगता है आज इनका कोई व्रत है, आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, लेकर गाय को दे दिया। दूसरे दिन भी नहीं पाए प्रभु, तीसरे दिन भी नहीं पाए, चौथे दिन भी नहीं पाए, बेचारा चार दिन से वो भी भूखा। पांचवें दिन लाकर थाली रखा और कहा प्रभु आप जीवो ना। क्या बात है, कुछ मीठा नमकीन कम है क्या, रसोई में गया थोड़ा थोड़ा चखा, सब ठीक था। क्या बात है, आप शर्माते हो क्या, पर्दा लगा दिया। 5 मिनट के बाद देखा तो जैसे तैसे थाली रखी। 5 दिन हो गए थे, भूख भी लगी थी उसको भी। कहा 5 दिन से तुम भूखे मर रहे हो, मुझे भी भूखा मार रहे हो, ऐसे नहीं पाओगे। गया गाय का खूंटा उखाड़ करके लाया और कहा भोजन करते हो कि 2-4 डंडा लगाऊं तब भोग लगाओगे। भगवान ने सोचा जो मेरे बिना भोजन नहीं किया 5 दिन से, वो डंडा लगाने में भी देर नहीं करेगा। भगवान उसके भोलेपन से प्रसन्न होकर दोनों हाथ बढ़ा करके भोग लगाने लगे। लोग कहते हैं भगवान पाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान पाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान पाते नहीं, ओ
से लगाते नहीं, सबरी के जैसे लगाते नहीं। लोग कहते हैं भगवा पाते नहीं, लोग कहते हैं भगवान पाते नहीं, लोग सबरी के जैसे लगाते नहीं, लोग सबरी के जैसे लगाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, लोग कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम मीरा के जैसे नचाते नहीं, लोग मीरा के जैसे नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं, लोग कहते हैं भगवान सोते नहीं। यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। इसलिए जो व्यक्ति आपको निवेदन करके अर्पण करके समर्पण करके वस्त्र आभूषण धारण करे भोग लगावे, उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु आप विराजमान होइए, उसे दर्शन दीजिए। जो व्यक्ति आपके तीर्थों में और आपके स्वरूप संत गौ विप्रजनों को देखकर प्रणाम करते हैं, माता पिता गुरुजन और वेद के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में विराजमान होकर के आप दर्शन दीजिए। मन का ही तो खेल है ना, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार
तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अगर कभी आपको लगे कि पढ़ने में मन लगेगा तब हम बैठकर पढ़ेंगे, भजन में मन लगेगा तब हम बैठकर भजन करेंगे, तो न कभी भजन होगा न कभी पढ़ाई होगी। क्यों? उपनिषद में भी आती है बात, परांचि खानी वितृणीत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। परांचि खानी, ब्रह्मा जी ने हम सब के मन को इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया ही है, रचना ही है इसी। जिस पिंड से जगत बना है उसी से अपना शरीर पिंड भी बना है, सत्व रज तमो गुण से। इंद्रियां भी मन भी सत्व रज तम से बनी, इसलिए इनका अपने आप प्रवाह जगत की तरफ है, बहिर्मुख है। तस्मात् परां पश्यति, इसलिए बहिर्मुख है वे, नान्तरात्मन। तो क्या करें बहिर्मुख रहे? बोले नहीं, कश्चित धीरः, कोई कोई धीर व्यक्ति, इसमें धैर्य चाहिए। ये नहीं कि 5 मिनट बैठे मन नहीं लगा तो उठते चले, भजन माला वाला छोड़ दिए, पढ़ाई में मन नहीं लगा तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं, धैर्य रखो। कश्चित, तो कोई कोई व्यक्ति होता है ऐसा, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, आत्मदर्शन करता है। आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, आप कहते हो अपना मन मेरे में लगाओ, मेरा मन मेरे बस में नहीं तो कैसे मैं आप में मन लगाऊं? श्री कृष्ण ने स्वीकार किया, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ने वायुरिव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम चलम। दो उपाय भगवान ने बताए हैं, एक तो बार बार अभ्यास करना, मन न लगे तो भी अभ्यास करना, पढ़ने में या भजन में, और दूसरा वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य, जिस वस्तु व्यक्ति का स्मरण आवे उसके प्रति आप वैराग्य का भाव रखो। लेकिन दमदार प्रयोग नहीं है वो, वैराग्य वस्तु व्यक्ति से होता तो अपने आप आपका मन भगवान में लग जाता। और अभ्यास का मतलब ये थोड़ा से अच्छा है, 10 मिनट आप बैठते हो भजन के लिए, अगर आपका मन इधर उधर भागता है 5 मिनट, 5 मिनट प्रभु में लगता है तो आप समय बढ़ा दो, 20 मिनट कर लो, 20 मिनट में 10 मिनट तो भजन हो गया ना आपका, 1 घंटा बढ़ा दो, आधा घंटा मन इधर उधर जाएगा, आधा घंटा तो लगेगा ना। हमने एक बहुत सुंदर उपाय अनुभव किया है। प्रयच्छ प्रयच्छ।